बैक टू माई सो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं एम सी क्यूज प्रैक्टिस टेस्ट सेट वन प्रैक्टिस टेस्ट सेट वन तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से है कुछ एम सी क्यूज हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस सेशन हो जाए इसके लिए जितने भी आप एग्जाम्स डे एंड के से रिलेटेड आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू टॉपिक स्टेड वे फर्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स वॉज कंसिडर्ड एज वॉर गॉड इन दैदिक पेंथन कहने का तात्पर्य है कि कौन है इसमें से जिनको कि लड़ाई के देवता हम मान सकते हैं माइथोलॉजी माइथोलॉजिकली ठीक है और ये याद रखिए क्वेश्चंस मेरे लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हैं और इतने आसान भी नहीं है इतने डिफिकल्ट uh, भी नहीं है लेकिन ये जेके uh, एस को माइंड में ध्यान के ध्यान में रख करके बनाए गए हैं तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनको अटेम्प्ट करना है अटैप्ट करने वाले भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे क्या ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर वन वरुण ऑप्शन नंबर टू इंदिरा ऑप्शन नंबर थ्री मित्रा या ऑप्शन नंबर फोर अग्नि तो आप जल्दी से इसका आंसर आप क्या होगा मैं आपको बता दूँ इसका आंसर क्या होगा लॉर्ड इंदिरा इंद्र भगवान को हम लोग बोलते हैं कि ये लड़ाई के भगवान माने जाते हैं एकदम से क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ लूँ हु ऑफ हु वन ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स वाज कंसिडर एज वॉर गॉड इन द वैदिक पंथ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर्स हु वर इंस्ट्रूमेंटल इन कन्विंसिंग महात्मा गांधी अबाउट द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत कौन से ऐसे लीडर थे जिन्होंने महात्मा गांधी को एक तरीके से कन्विंस कर लिया था कि चलिए खिलाफत के आंदोलन के समर्थन में बहुत आसान क्वेश्चन आपको समझना है ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से आपको पता है क्वेश्चन बनते हैं और डेफिनेटली बनते हैं तो और ये ऐसे कुछ सेक्शन गांधी नहरा और एक एटी फिफ्टी सेवन रिवॉल्ट वहां से क्वेश्चन आपको आते है, आते हैं ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन है आपके क्या शौकत अली है या क्या मोहम्मद अली जिन्ना है या क्या मौलाना अब्दुल अजाम है अब्दुल अबुल कलाम आजाद है या फिर आपके अब्दुल गफर खान ऑप्शन देख लीजिए एक बार फिर से शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद अब्दुल खान तो सही आंसर आपको है इसका मिलेगा शौकत अली ठीक इसका आंसर आपको सही आंसर इसका मिलेगा शौकत अली क्यों मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूं आपको जैसा आपको दिख रहा होगा शौकत अली कैसे है क्योंकि शौकत अली ने क्या किया था बहुत इंस्ट्रूमेंटल हुए थे उनको कन्विंस करने में किनको महात्मा गांधी को आपको पता है शौकत अली वो खिलाफत के दोनों चले दोनों ब्र, 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 ब्रदर्स थे शौकत अली दूसरे जो दूसरे अली थे म, आ, तो इनका क्या था कि खिलाफत में बहुत रोल था तो दिस खिलाफत मूवमेंट वो लॉन्च द डिफेंस ऑफ द खिलाफत जैसे आपको पता है वहाँ पे टर्क में और मंगल उस रीजन में लेड इन इंडिया बाय द टू ब्रदर्स मोहम्मद अली मोहम्मद अली एंड शौकत अली दोनों भाई थे ठीक है बाई द एंड सपोर्ट इसका और भी आया था अबुल कलाम आजाद के साथ लेकिन अगर प्रॉमिनेंटली पूछा जाता तो आपको दो नाम याद होने चाहिए शौकत अली मोहम्मद अली टेंथ क्लास की एन में चैप्टर नंबर थ्री पढ़ लेना इंटरनेशनलिज्म और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है सर चैप्टर नंबर थी पढ़ लेना अच्छे से अच्छे से रिवाइज

वर् दटोमेट एमायर खिलाफत शुड रिटेन इट एम्पायर टर्की द खिलाफ खिलाफ मस्ट भी प्रोवाइडेड विद सफिश टेरेटरीज सो टू एबल हम टू डिफी द इस्लामिक विद ऑल आउंड अरब लैंड आर सीरिया इराक पैलेस्टीन अरेबिया मस्ट से अंडर मुस्लिम रूल ठीक है तो आप कुछ एडिशन इंफॉर्मेश समझ में आया गया क्वेश्चन क्या, क्या पूछा था ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं हम देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन आया है पॉलिटिक्स रिलेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सबको ये लगेगा आंसर देखना मैक्सिमम आप लोगों के गलत ही गलत तो नहीं बोल रही सही हूँ बट लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व करके देखिए द कॉरम रिक्वायर्ड फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोथ पूछा बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए कौन सा आपको सिटिंग आप बोल तो कितना फर्स्ट ऑप्शन है आपका दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो पोमर रिक्वायर्ड फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वन टाइजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 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 टू मेंाउस ये ऑप्शन है या फिर सेकंड ऑप्शन वन फोथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस थर्ड ऑप्शन है वन थर्ड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस या नन ऑफ द अबव क्या आंसर होगा इसका वन टेंथ चाहिए वन फोर्थ या वन थर्ड मेंबर ऑफ द टू हाउसेस या नन ऑफ द अबव क्या आंसर रहेगा इसका जल्दी से आप देख लो सर आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा आपका वन टेंथ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउसेस आई नो सब वन थर्ड करके आएंगे लेकिन मैं उसको क्लियर कर दूं क्लिफाई कर दूं वन टेंथ कैसे है इसको डिटेल में देख लेते हैं ठीक है डिटेल में देख लेते हैं ये तो आपका पहला क्वेश्चन था जो मोहम्मद अली जन्ना से रिलेटेड था मुस्लिम लीग आपको पता है कब स्टार्ट हुई थी पता ही है 1913 में स्टार्ट हुई थी मौलाना अबुल कलाम आजाद वो तो सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है और बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर अबुल गफल खान से रेलटेड क्वेश्चन हो पश्तून एक्टिविस्ट ब्रिटिश कॉलोनी तो ये सो बट आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जॉइंट की तो आंसर क्या था इसका आंसर वन था कैसे था जॉइंट ज्वाइंटिंग ऑफ पार्लियामेंट अगर हम बात कर करें आर्टिकल कौन से अर आता हंड्रेड एंड के अंदर आता है याद रखना है इसको ये <laughs> क्या बोलता है क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज कल एंड इज प्रोवाइडेड ओवर बाय द स्पीकर इन बाय द दूसरी स्पीकर ऑफ लोकसभा और इन हिज एपसेंस द ड्यूटी ऑफ चयन ऑफ द राज्यसभा दिन ऑफ राज्यसभा डेंट प्रसाइड जनरल टू इच में स्पेफाई स्पेसिफाइन दाइम एंड प्लेस ऑफ जॉइंट टाइम ऑफ सीटिंग कितना है यहाँ पे अगर बात करूँ तो द ड्यूरेन्ड दिन द्वॉइट सिटी शिल स्पीकर एंड टू कंस्टिडियो जॉइंट सिटिंग शिली वन ट कितना वन टेंथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउसेस अगर वो वे रहते हैं प्रेजेंट की गैर हाजिरी में जैसे राज्यसभा और स्पीकर है उनके तहत ही रहता है कितना है वन टेंथ एक दस, दस एक तिहाई नहीं है वन टेंथ है याद रख लेना इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको देख ध्यान से देख लेना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कॉन्सेप्ट ट्रेड से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इकोनॉमीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट एम्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड लीगल रिग्नेशन टू द क्रिएटर ऑफ द इंटेंजिबल इलीगल इशू यूज ऑफ हिस क्रिएशन इट इंक्लूड्स पेटेंट्स कॉपी राइट जोग्राफिक इंडिकेशन स्टेड मार्क्स ऑनली इट गारंटीज मिनिमम स्टेडस ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन सेलेक्ट द करेंट आंसर बायिंग कोर्ट्स क्वेश्चन क्या पूछा विद रेफेंस टू ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आया टीआरआई पैसा पता होगा क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट में आपको नहीं सुनिए तो आप करके सुनते हैं इस बार छानबीन कर ले फुलॉर्म क्या है टीआरपी का ट्रेड रिलेटेड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रॉर्टी रेट यहाँ है लेकिन आपको इस ऑप्शन इसमें से बताया कौन सा सी आंसर है तो आपको ऑप्शन आप मिलते हैं यहां पर वन ओनली सेकेंड थर्ड ओनली वन एंड थर्ड ओनली या वन टू एंड थ्री ओनली आपको लगता है कौन सा आंसर इसमें सही होगा जो आप बता बता सकते हैं मेरे को दोबारा देख लें टीआरपी से रिलेटेड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेशन इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टीआरआपी एस कंसडर द फॉलिंग स्टेटमेंट इट एम्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड लीगल रिग्गनेशन टू क्रिएटर इंटेंजल इशू ऑफ क्रिएटर जैसे इंटेंजेबल uh, इशू या कॉपी रट की बात करता है रिस क्वेश्चन uh, उसमें भी था जी एस में डिस्कस किया इट कार इंट इज मिनिमम स्टैंड ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेक्शन क्या है इसका तो इसका आंसर हम देख लेते हैं राइट आंसर वुड भी इसका वन एंड थ्री ओनली ठीक क्यों है डिस्कस कर लेते हैं इसको जल्दी से आपको मैं बता दूं कि पीडीएफ आपको इसी लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आपको यहीं पर पीडीएफ मिल जाएगी अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर भी आपको मिल जाएंगी और लेकिन आपको पीडीएफ इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट लिंक में आपको मेरी पीडीएफ आपको इसी में यह भी मिल जाएगी ठीक है तो आपको चिंता करने की जरूरत है कि आपको अलग से कोई चैनल ज्वाइन करना है नहीं ये सारी पीडीएफ मैं आपको इसी के साथ दे दूंगी प्रोवाइड करूंगा तो हमारा क्वेश्चन क्या था ट्रेड रिलेटेड इंटलेक्चल प्रॉर्पिटी राइट डिस्कस कर लेते हैं कि डी आर पी एग्रीमेंट वो नगोशिएटेड नाइन नीटी फाइव ए डब्बल्यू टी ओ कहाँ पर नेगोशियन डब्ल्यू टू में इवाइ ऑल सिग्नेटरी कंट्रीज इन ए डोमेस्टिक लॉ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिक्स प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड लीगल रिकग्निशन टू द क्रिएटर intangible illegal use of his creation hence statement one is in, uh, one is correct it includes patent copyrights geographical indicate trademarks industrial circuit designs and trade security hence statement two is not correct it guarantees minimum standard of intellectual property protection hence statement third is correct since the law governing these aspects very uh, vastly across countries the agreement stipulates a basic homogeneity of the law so that इन्फ्रजमेंट ऑफ द राइ अगर दिस रिकॉर्ड समझ इसकी समझे सही हो डोमेस्टिक लोमन कंट्री में एज रिजल्ट इंडिया एम टू बिस तो आपको समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से कॉपिरेट एक्ट के बारे में इंडिया एज अ रिजल्ट इंडिया अंडेड दपरेट एक्ट द पेटेंट एक्ट एंड द ट्रेड मर्चेंडाइज एक्ट रीसेंटली था फारास्यूटिकल एंड बाइक्नोजी इंडस्ट्रीज एक्सपेक्ट टू हिट द हार्डस्ट अनदर इंपैक्ट ऑन इंडिया इज एक्सपेक्ट टू बी द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्राम अब्रॉड तो एक क्वेश्चन मैं आपको कुछ हायर लेवल के पूछे मिक्स करके पूछे तो आप इसको करके देखा पीडीएफ में भी मिल जाएगी यहाँ पे आपको मैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिख दे दूँगी आई बन तो यहाँ फिर हम फर्स्ट कमेंट देखेंगे तो वहां पर आपको इसी की पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है ईस्टर्न हिमालस का ईस्टर्न हिमालय लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लिए आपको रिवर अच्छे से पढ़ने कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था ये तो कहां से गया पढ़ना जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको देखें ईस्टर्न हिमालय लाइज बिटवीन विच ऑफ रिवर्स ऑप्शन रिवर इन वेस्ट एंड रिवर इन दिस्ता रिवर वेस्ट में रिवर ईस्ट में काली रिवर इन वेस्ट एंड रिवर तस्ता इन सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इंडर वेस्ट एंड दी रिवर इन द ईस्ट या फिर गंगा रिवर इन वेस्ट एंड इन रिविर ईस्ट तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आंसर आप बता सकते देख के कि तीसरा रिवर वेस्ट में है और ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्ट में है काली रिविविविविव इंदा वेस्ट है रिवर तीसरा इंडा ईस्ट है इंडस्ट इन वेस्ट है काली दिवर इंदा ईस्ट है तो बनता ही नहीं बिल्कुल गंगा इंदा रिवर वेस्ट एंड ब्रह्मपुरा इंद्र रिवर ईस्ट ये भी नहीं बनता तो सही आंसर हमारा क्या हो जाता है यहां पे आंसर वन कैसे मैं आपको दिखा देती हूँ मैप देख लीजिए चिंता नहीं करिए आपको इसकी पीडीएफ जल्दी से यहीं पे इसी लिंक में इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी लेक्चर में मिल जाएगी यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूंगी मैं कोई अलग से आपको टेलीग्राम अगर आप नहीं ज्वाइन करना है करने पे आपको बहुत सारे अगर ट्रैश वगैरह मिलते तो आपको सारे आंसर यहीं पर मिल जाएंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहां पर आपको आंसर सारी सारे मिल जाएंगे आप देखिए कैसे ठीक है कैसे है इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ अभी पहले आपको तो मैं मैप ही दिखा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा यहां पे जैसे कि आपको दिख रहा है पे उन्होंने पूछा था वेस्ट और ईस्ट में क्या है वेस्ट में आपको जैसे कि यहां पे दिख रहा है ये दिख रहा है ये दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या है वेस्ट में आपको दिख रहा है देखिए फिर से मैं बता रही हूं वेस्ट में यहाँ पे क्या है तिस्ता रिवर है और यहाँ पे क्या है आपकी ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर है तो हो गया ना आपका ये वेस्ट में तीस्ता और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर ध्यान से देखा करो जब भी रिवर का क्वेश्चन आता है और ये मैप आप, आप चाहें तो ये इसी के साथ में मिल जाएगा पीडीएफ में इसी वीडियो में मिल जाएगा यूट्यूब में बार बार बोल रही हूँ ठीक है तो आप डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या वैसे तो मैंने आपको मैं आप से बता ही दिया देखकर समझ में आ रहा होगा ऑप्शन आंसर जैसे मैंने आपको बताया ईस्टर हिमालय को जो जानते हैं इज पार्ट ऑफ द हिमालय दट लाइज इधस्ता रिवर इन वेस्ट एंड रिवर इन ईस्ट ठीक है एंड द एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान

को हिमा हिल्स या मैपा टेलीग्राम चैनल पर दिया वहां जाकर आपको इसको पक्का करना है, हिल्स का एक बार देख लेना मणिपुर हिल्स मिजो हिल्स प्रीवियसली नोन हिल्स इसको बोला था पहले पहले त्रिपुरा हिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट जाता है मैं आपको बता रही आपने इसको देख लेना ठीक है टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा इसका प्रैक्टिस मैप लेकिन अगर जो लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं कर सकते उनको इसी लेक्चर के वीडियो लेक्चर के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा फर्स्ट चेक कर लेना या फर्स्ट कमेंट वहां पर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी लिंक वहीं पर एक्सटेंशन ऑफ पूर्वाच हिमालय कंटिन्यू साउथ आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड तक इसका एक्सटेंशन है बे ऑफ बंगाल तक एक्सटेंशन है हिमालय का ठीक है उसी का पार्ट है टूट टूट के जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड बना हुआ है कहां तक आरगंड एंड इवन इंडोनेशिया ंग एंड दू किलोमी फ्रम द पे एंड आर क्लियर फ्राम इन कॉन्ट्रास्ट दस्टन हिमालस राइज ग्रेजुअली फ्रॉम प्लेन थ्रू सीरीज ऑफ रेंजे सीज रही है दो सौ किलोमीटर अव फ्रॉम एरिया जैसे आपको हिमालस पच्चीसो किलोमीटर आते आते, मैंने आपको अलग से मैप प्रोवाइड किया तो प्लीज कृपा करके करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बढ़ लेते हैं। देख लेते रिसेंटली आपकी गलवान वैली बहुत न्यूज में थी तो आपको पता होना चाहिए आसान है लेकिन आप बड़े, होने वाले घुमा के पूछेगा एग्जामिनर गलवान वैली सिचुएटेड टू दउथ देंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ कारगिल या फिर साउथ ऑफ द लद्दाख

सबसे पहले तो आप मैप देख लो पेंगोंग लेक के नॉर्थ में है ये पेंगोंग लेक पेंगोंग लेक जहां पे चाइना के हमने सोल्जर्स यहाँ पे डिस्प्यूट हु यहाँ पर बहुत डिस्प्यूट हुआ था पेंगोंग लेक याद रखना पेंगोंग लेक न्यूज में थी ठीक और इसका लिखे अब मैं पूरा मैप भी अगर आपको दिखा दूँ तो आपको पता होगा कि एक्साइचिंग वाला कौन सा एरिया ये यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया रहा है ठीक है और ये वाला आपका पीओ जिसको बोलते हो आप ठीक है तो इंडिया का पास इतना सा बचता है उसमें ये वाला पोर्शन कट जाता है इन वे कट जाता मतलब इतना सा पोर्शन काफी अब उसकी बजाय हम यहाँ पर कॉन्सट्रेट कर लेते हैं एक्साइचिंग वाले एरिया में यहाँ पर स्प्रिंग है जिसकी बहुत ज्यादा ये पेंगोंग लेक है यहाँ पे इसके बहुत डिस्प्यूट रहता है तो आंसर है नॉर्थ ऑफ द पेंगोंग लेक पेंगोंग लेक यहाँ पर नॉर्थ में तो यहाँ पर डिस्प्यूट है ठीक है इसलिए आप उसको देख लें ठीक अक्साइट टीम थ्री एट चाइना के द्वारा गया है आपको पता होगा कि अफगानिस्तान से भी हमारा बॉर्डर लगता है ये आप देख सकते हैं ईके वाला रीजन तब भी हम बोलते हैं एक सौ किलोमीटर कुछ है अफगानिस्तान के साथ भी है लैंड बाउंड्री इंडिया की बट खैर इसका मैं आपको बताऊँ की पॉइंट जैसे आपको मैं बता दूँ कि आपको साथ में मिल जाएगा एक बार पढ़ लेते हैं गलवान वैली द वैली रेफर सिट्स बिटवीन स्टीप माउंटेस दट बफेट द गलवान रिवर गलवान रिवर गलवान वैली के साइड से बनी है उत्पत्ति वहीं से हुई है द रिवर हैज है सोर्स इन एक्साई चीन जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया था ना सोर्स कहां पर एक्साई चीन है जैसे आपको दिख रहा है ये वाला रीजन यहां पे सोर्स है इसका कहने का मतलब ये हुआ इसमें ठीक है द रिवर हैज सोर्स इन एक्साइची ऑन चाइना साइड ऑफ द एल एंड इट इ्लोज फ्रॉम द ईस्ट टू लद्दाख ईस्ट से लद्दाख में वो करती है वेर इट मीस द शो रिवर ऑन इंडिया साइड ऑफ द एल एसी द वैली स्ट्रेटेजली लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द पेंगोंग लेक याद रखना कौन सी लोकेशन स्ट्रेटली नॉर्थ ऑफ द पेंगोंग लेक है इसकी लोकेशन द वैली स्ट्रेटेजली लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द पेंगोंग लेक एज इट्स वेस्टर्न एंड आर दी शोक रिवर्स इसके वेस्ट में आपकी शोक रिवर है एंड दी डरबुक शोक डालग बेकरेडीओ रोड यहाँ पे है इट्स ईस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न माउथ लाइज नॉट फार फ्रॉम दी चाइना टिब्बे रोड नाउ कॉल दी जी टू वन नाइन हाईव आपको पता है कि चाइना बहुत कंस्ट्रक्शन कर रही है हाई ऑलिटीट्यूड में का, का, काफी ज्यादा तो उसने एक्सटेंशन अभी बढ़ा दी हुई है जो कि खतरे का साइन है बट खैर आपको क्वेश्चन आया आए नॉर्थ ऑफ पेंगोंग लेक ठीक है पेंगोंग लेक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन सकता है पेंगोंग लेक ये पूछा जा सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच में बताओ कौन सा बॉर्डर है एल के अलावा आप लाइन को क्या बोलते हैं मतलब अगर आप पूछ जाए तो क्या बोलेंगे उसको मैक मोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में जनरल क्वेश्चन है जैसे आपको पता होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं ये आपका आगे साइंस रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज पूछा गया है नॉट नॉट दॉट नॉस्टीजियल ऑर्गन ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं जो आपकी आ, अगर निकाल भी दिए जाए उसको दर्द नहीं आंखों में अगर वेस्टिजियल हो गए ये सारे आपको पता होगा तो पूछा गया कौन सा नहीं है अब ऑप्शन है आपके सारे तो आसान सा क्वेश्चन लगेगा आपको बट इसके ऑप्शन है सारे की वर्मी फॉरम एपेंडिक्स डिकेटिंग मेमरन ऑफ आई विजडम टीथ या हार्ट नॉट पूछा याद रखना ये सारे के सारे जो तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं लेकिन एक सिर्फ इसमें हार्ट ही जो आपका है वेस्टिजियल ऑर्गन सही है तो इसका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर वुड बी हार्ट आई होप आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्पेशल इफेक्ट्स यू टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड कॉलिटी है स्पेशल इफेक्ट जो होता है ना इसको यूज करते हैं इंट्रोडक्शन स्लाइड जैसे हम चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट को प्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं पहला ऑप्शन है नन ऑफ द अब कस्टम एनिमेशन इफेक्ट या ट्रांजिशन so, सोचो कि इसको क्या बोला जाता है नन ऑफ द अब है या कस्टम एनिमेशन है इफेक्ट्स हैं है राइट आंसर right क्या होगा ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है आसान लेकिन ट्रिकी सा पूछा गया तो इसका सही आंसर क्या होगा ट्रांजे ट्रांजेशन इफेक्ट आपने मोबाइल में देखा होगा जब एडिटिंग एडिटिंग करते हो आपको पता चलता होगा इफेक्ट उसको बोलते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से क्यों है ट्रांजिशन इफेक्ट? ट्रांजिशंस आर मोशन फेक्ट्स दट वन इन स्लाइड शो व्यू एंड मूवमेंट इन आर स्लाइड्स एज वी एडवांस फ्रॉम वन स्लाइड टू क्या मोशन जैसे स्लाइड को चेंज करते हैं ना ऐसे वो मोशन रिप्रेजेंट करता है मोशन इफेक्स को दिखाते हैं ठीक है ठीक है मूवमेंट को दिखाते हैं एनिमेशन लाइक इफेक्स दट है ऐसे मूव करते हैं स्लाइड को स्लाइड करते हैं तो चलो ऐसे स्टाइड करेंगे तो मोशन रिप्रेजेंट करता है क्या मोशन ठीक है तो स्लाइड ट्रांजलेशन आती है लाइक इफेक्स दै है वन यू मूफ फ्रॉ वन स्टाइड डरिंग प्रजेंटेशन एड स्लाइड ट्रांजेशन टू ब्रिंग यो पार पॉइंट प्रेजेंटेशन टू लाइफ सेलेक्ट द स्लाइड यू वॉन्ट टैड इन ट्रांजलेशन टू ट्रांजेशन इफ्ट होगा वो ठीक है इनफॉर्मेशन से अगर मैं आपको दे दू यहां पर मेनेज एनिमेशन इफेक्ट किस से होते हैं एनिमेशन अलग है एनिमेशन गेमिंग के लिए आता है आपका एनिमेशन ठीक है आपके एन स्टार्ट जाते हैं और विथ प्रीवस प्ले एंड एनिमेशन प्लेस के लिए अगर कुछ खेला उसके लिए एनिमशन यूज होगा याद रखें बोल रही हूँ ठीक है एंड मोर प्रेजेंट मिल जाए तो आपको आंसर आपका क्लियर होगा पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन से रिलेटेड है विद रेफरेंस टू इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आपको बेसिक पता हूँ पहले ही ट्वेल्थ का आप पढ़ते हो उसमें तो देख लेते हैं सर क्या है विद रेफरेंस टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रू बाय एट पॉइंट फोर परसेंट जुलाई टूटेबर कॉर्टर कपेड टू सेवन पॉइंट फाइव कॉन्ट्रैक्ट ईर को पब्लिक एमिनिस्ट्रेशन डिफेंस अर सर्विस हाईस्ट कॉस वैल्यू जीव जिसको बोलते हैं ग्रोथ अमंग डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द इनमी आपको पता होना की जीडीडी क्या हो जीवीए क स्टेटमेंट गवन बिलो एन आर करेक्ट आपको बेसिक पता होगा क्या होता है तो इसमें देखते हैं आप क्या क्या इसमें सही पूछा गया वन ओनली सेकंड ओनली बोथ वन एंड इधर टू ऑप्शन आपके सामने है राइट right आंसर मैं इसको बता देते हुए क्या है जल्दी इसको देख लेते हैं जीवी एन एन जी डी डी बोथ वन एंड टू इसका राइट right आंसर हो गया बोथ टू विदर बढ़ते हैं इसको देख लेते हैं ये क्वेश्चन आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है या आपने अगर मैप को किया आपको पता होगा जनरल भी है जम्मू एंड कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ मेनी नेशनल पार्क नेशनल पार्क टोटल नेशनल पार्क सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर बताइए पांच है चार है तीन है या फिर छह है ऑप्शन है पांच है चार है तीन है या छह है कितने नेशनल पार्क सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में इसका सही आंसर आपको बताएंगे जल्दी से जल्दी से इसको सोच करके बताएं मैंने आपको टाइम दिया तो राइट आंसर वुड बी फोर नेशनल पार्क्स हैं ठीक है इससे और रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको इंडिया बता देती हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसको कि क्यों इंपॉर्टेंट और क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी तो जैसे आपको पता होगा नेशनल पार्क क्या है जैसे कि जे एंड के में चार नेशनल पार्क है कौन कौन से उसका नाम भी मैं आपको बता रही हूं यहाँ पे दाचीगाम नेशनल पार्क बहुत फेमस है नेशनल पार्क से जो आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है कोई भी एग्जाम आप दे दो उठा के ठीक है दाचीगाम नेशनल पार्क ये तो फिर अगर आप केस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसने आएगा और अगर आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग लेवल में भी है तो भी क्वेश्चन बनता है देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन घुमा के दिया हुआ इतने चलो स्टेट आप पूछ लिया लेकिन अगर घुमा के दिया हो तो कैसे पूछेंगे वो कि फाइंड द राइट पेयर कौन सा है कहाँ पे है क्या नहीं है तो देखिए दाचीगाम नेशनल पार्क जेड के में फिर सलीम अली नेशनल पार्क नगर में काजी काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला में है किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ में नाम से दिख रहा है ठीक है तो ये चार नेशनल पार्क है जो कि जेंड के में है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसको जल्दी से हम देख लेते हैं तो एक बार हम इसको देख लेते हैं ओवरव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन का क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे आया आपको समझ में आएगा पहला क्वेश्चन था आपका अग्निदेव से रिलेटेड कौन से गुरु को आ, कौन से भगवान को माना जाता है सेकंड आपका था वो मांग था फॉलिंग महामारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हमने डिस्कस किया अभी अभी ठीक थर्ड आपका हम देख लेते हैं तो कौन सा क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था तो पार्लियामेंट में कितना है वन टेंथ याद रखना वन टन थर्ड करके आते हैं गलत हो जाता है वहीं पे क्वेश्चन फिर आपका टी आई पी एस से रिलेट था रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट कॉपीराइट का इशू वगैरह जो सारा का सारा आपने देखना है इसमें फिर इस हिमालय से क्वेश्चन रेट था कि वेस्ट में कौन से रिवर सा इस कौन से रिवर है जब भी आप रिवर करते हैं ना मैप वर्क अच्छे से देखें कि उसके आसपास कौन से सा हैं ठीक है फिर आपको क्वेश्चन था गलवान वाली से था है सेटेड आपको आंसर होगा का नॉर्थ होती पेंगोंगले ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वेस्टिजियल ऑर्गन तो राइट आंसर वुड बी आपका हार्ट क्योंकि बाकी सारे के सारे यहाँ पे क्या थे ऑर्गन ही थे फिर आपका था स्पेशल इफ एस किस कम्प्यूटर से रिलेटेड तो आपका राइट आंसर वुड भी ट्रांजेक्शन ठीक तो ये कुछ क्वेश्चन से आपको याद होंगे फिर आपका आगे था जीवी और जी के बीच में आपको देखना था कितना बड़ा है कितना नहीं उसके उसका पता GDP और हो क्या होती है इसका आंसर था, था बहुत तो ये आंसर है हाउ मे नेशनल पार्क सिचुएट जम्मू एंड कश्मीर ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधा पूछ लिया तो फोर्थ है राइट आंसर ठीक है तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है प्रैक्टिस सीरीज तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जस्ट सब्सक्राइब इट शेयर इट आई होप इसको आपको कुछ सीखने को मिला होगा दट्स ऑल साइनिंग ऑफ एम जय हिंद